तो भाई जिस फीचर का मैं बहुत लंबे समय से इंतजार था, फाइनली वो फीचर व्हाट्सएप में आ चुका है। अब आपको अगर व्हाट्सएप की चैट्स लॉक करनी है तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपल से आप व्हाट्सएप में ही चैट लॉक कर सकते हो। तो कैसे लॉक करना है, किस हिसाब से फीचर का यूज करना है, आज मैं इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीचर का यूज कैसे करते हैं। तो सिंपल से आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और जो भी चैट को लॉक करना है सिंपल से आपको वहां पे टैप कर देना है। जैसे आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल से आना है नीचे, ठीक है। जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको चैट लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे कर देना है टैप। जैसे आप टैप करते हो तो यहाँ पे लॉक दिस चैट विद फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप टैप करते हो तो फिंगरप्रिंट रखने का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे यहाँ पे बैक में है तो सिंपल से मैं पे फिंगरप्रिंट रख देता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो चैट इज नाउ लॉक्ड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि व्यू करना चाहो तो सिंपल से आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो। और अगर हम बाहर आते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से बाहर आया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो जो प्रोफाइल था वो दिखेगा ही नहीं, यहाँ से पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लॉक्स जो चैट्स देखने को मिल जाएगा, लॉक्ड चैट्स देखने को मिल जाएगा। सिंपल से यहाँ पे कर देना है टैप। जैसे आप टैप करते हो तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वापस फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा। और जैसे मैं फिंगरप्रिंट डालता हूँ तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो जो भी मैंने चैट लॉक किया था सिंपल से मैं यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकता हूँ। और जैसे कि जो भी मैंने चैट को लॉक किया तो अगर सामने वाला बंदा अगर मुझे मैसेज भी करता है तो भाई यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे वो मैसेज शो नहीं होगा। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे किसी ने भेज दिया और मैं इसे वापस अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे बार बार फिंगरप्रिंट डालना ही पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे भाई आपको पूरे व्हाट्सएप को लॉक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे स्वाइप डाउन करना है बस। यहाँ पे आप चाहो तो एक से ज्यादा भी चैट्स लॉक कर सकते हो और पर्सनल चैट लॉक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो देखिए इस टाइम पे ये बीटा वर्जन पे आया हुआ है, अगर आपको इसे जो है डाउनलोड करना है तो सिंपल से चले जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये टेलीग्राम का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका नाम है आदर्श शुक्ला जी। आप चाहो तो आप जो है टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो या फिर सिंपल से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चले जाइए। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा एपीके, इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपडेट कर देना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये बीटा वर्जन पे आया हुआ है, स्टेबल के लिए नहीं आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड है, टेंशन मत लीजिए। बीटा मतलब टेस्टिंग वर्जन होता है बेसिकली, तो आप इसे डाउनलोड करके अपडेट कर लीजिए और एक दो दिन वेट करें। क्योंकि देखिए मैंने जब अपडेट किया था तो मेरे में तुरंत नहीं आया था, एक दो दिन मैंने वेट किया था और उसके बाद भाई मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप में जो है चैट लॉक का ऑप्शन देखने को मिल गया। आपने देखी ले किस हिसाब से व्हाट्सएप के चैट्स को लॉक करना है, एपी की सिंपल से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके इसे अपडेट कर सकते हो। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।